अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हमने देख लिया था कि ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके, तो दैट इज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. There are different methods of asexual mode of reproduction. First is fission. Fission के भी दो थे, एक binary और एक multiple. Second is regeneration. एक fragmentation था. Third is regeneration. Next is budding and vegetative propagation. Okay, vegetative propagation में कौन से तीन थे अनुप्रिया? सुजैन, अभिषेक, कटिंग था. हाँ, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग. कटिंग तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ओके, आगे देखेंगे. कटिंग, लेयरिंग, और ग्राफ्टिंग. जो बाइनरी फिजन है, द्विस्तरीय विखंडन, इसके पांच एग्जांपल बताओ. अमीबा, पैरामीशियम, यूग्रीना, और बोलो, और जिससे काला आजार होता है, बोलो दिव्या. हाँ बताइए, लीशमेनिया, जो कि एक पैरासाइट है, ओके. मल्टीपल का एक एग्जांपल दो, बताइए. प्लाज्मोडियम, फ्रेगमेंटेशन के उपलब्ध दो एग्जांपल दो. अब तो कॉपी देखने लग गए. हाँ अमन बोलो. अच्छा बता रहे हो, आप बोलो. और स्पाइरोगाइरा, एक शिशु और बोलो, बोलो. सी एनीमोन, ओके, सी एनीमोन दिखा देंगे, हमारे पास यहाँ रखा भी है, वैसे आपको वीडियो दिखा देंगे. रीजनरेशन, कि कोई हिस्सा टूट जाए तो फिर से लॉस्ट पार्ट उसका आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है. ताशी बताओ. और स्टारफिश, और कौन सा हो सकता है? लेमेरिया हो सकता है. हाइड्रा नहीं हो सकता, हाइड्रा का भी कोई चीज टूट जाता है तो आ जाता है, ओके. बडिंग, जिसमें से कोई पार्ट प्रोट्रूड हो जाए, फिर बडिंग किसमें होता है? और ईस्ट, ईस्ट में भी बड निकलते जाते हैं कि नहीं? दैट इज हाइड्रा, और साथ में क्या है? ईस्ट. यहां तक हमने देख लिया. अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या मतलब है? ईस्ट में वो अलग काउंट होगा, क्योंकि वो कॉलोनी में रहना पसंद करते, ये है तो किसी से क्या होगा, किसी से बन गया, ये अटैच हो गया, बट इट डज नॉट लिव इंडिपेंडेंटली एज इंडिविजुअल फ्रीली, इट इज अटैच्ड, कंटिन्यूअसली अटैच एंड मेक ए कॉलोनी. फिर इसमें से भी एक और निकल जाएगा, वो इसका डॉटर सेल है, लेकिन ये लगातार बनते रहेंगे. बात समझ में आ गई कि नहीं? तो दिस इज द बडिंग इन ईस्ट. हमीर में ये बडिंग है,
दैट इज बडिंग इन ईस्ट, जिससे हम लोग ये ब्रेड का डो बनाते हैं, ठीक है। तो ये 10 रुपए का पैकेट बाजार में मिलता है, इसी से किया जाता है, दिस इज द ईस्ट। अगर इसको चीनी के सोल्यूशन में डाल दें तो अल्टीमेटली क्या होगा, दिस इज द ईस्ट, ओके। तो सभी के घर में रहता है। अगला देखो, दिव्या, व्हाट डज इट मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वनस्पतिक उत्पादन से आप क्या समझती हैं? सर, अगर कोई प्लांट का ग्रो कर रहा है, यस, प्लांट के ग्रो कर सकते बिना उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होती। सही कह रहे हैं आप, दैट इज इफ ए न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन। बेटा क्या नाम है आपका? सोनाक्षी। न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम किससे? फ्रॉम एनी प्लांट पार्ट विदाउट इन्वॉल्विंग इट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे फ्लावर अगर कुछ नहीं लिया जाए उसके अलावा, फ्लावर में ही तो सीड बनता है ना, फ्लावर ही तो सीड बन जाता है। सो न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन बाई यूजिंग इट्स प्लांट पार्ट, ठीक है, विदाउट इन्वॉल्विंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कितना बोल के दिखाओ, बोलो, आप सुन ही नहीं रहे थे जब मैं बोल रहा था, वो चेहरे से ही पता चल जाता है। आप बोलो बेटा, अच्छी बात, आप बोलिए अरविंद। फ्रॉम एनी प्लांट पार्ट विदाउट रिप्रोडक्शन इट कैन बी ग्रोन। अच्छा, न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन, न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन किससे ग्रो किया जा सके? बाई एनी प्लांट पार्ट, लीफ से, कि अब ब्रायोफिलम की लीफ है, लीफ जमीन में गिर गए, उसके हर नॉच में से नए नए प्लांट आ जाते हैं। जैसे ये देखो, ऐसे लीफ है, तुम्हारे बुक में क्या ऐसा डायग्राम बना है, इसमें बहुत सारे नॉच है और ये पैडी लीव्स होती है, और यहाँ से नई नई प्लांटलेट निकल रहा है। तो ऐसा ब्रायोफिलम की लीफ में होता है। न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन बाई प्लांट पार्ट, चाहे वो लीफ हो, चाहे स्टेम हो, या फिर क्या हो सकती है, ट्यूबर। ट्यूबर का क्या मतलब है बताओ? ट्यूबर, जब ये आलू उगता है तो इसकी लीफ तो ऊपर ऊपर रहेंगी, लेकिन जो इसकी रूट्स है, रूट के लास्ट में कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाता है और उसको क्या कहते हैं, ट्यूबर। और फिर इसमें आइस भी रहती है ना आलू में, तो किससे की जा सके, ट्यूबर से किया जा सके, समझ में आ गया? और किसे, रूट से भी किया जा सके, रूट कोई काट के लगा दिया तो कई बार निकल जाता है कि नहीं। एलोवेरा इसके किस पार्ट से होता है? लीफ ही गाड़ दो निकल आए, स्टेम से भी आ जाए, तो दैट इज रूट विदाउट इन्वॉल्विंग, इसके इन्वॉल्व के बिना, इन्वॉल्विंग विदाउट इन्वॉल्विंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या आएगा, फ्लावर ही तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, उसके इन्वॉल्वमेंट के बिना यदि कुछ हो सके तो उसको क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सच काइंड ऑफ प्रोपगेशन आर यूजफुल फॉर दोज प्लांट्स विच हैव लॉस्ट इट्स वियेबिलिटी, जिन्होंने अपनी बीज उत्पादन की क्षमता खो दी है, उनमें इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। भाई कहीं में तो सीड है, तब तो सीड से उगा लो, अब गुलाब को कैसे उगाओगे, उसके पास तो सीड ही नहीं है। आलू को कैसे उगाओ, क्या सीड है, तो आलू में कैसे करोगे, ये पोटैटो में, ये जो पोटैटो में अलग अलग नॉच है, ये आईज है, इसको क्या कहेंगे, आई, तो इसको कट कर लो चाकू से, और चाकू से कट करके जमीन में गाड़ दो, तो जब ये अलग अलग पीस गाड़ दिए जाएंगे आईज वाले, तो हर एक पीस से इसी तरीके के अलग अलग पेड़ उगाएंगे, और इनमें से जमीन में क्या हो जाएंगे, जो रूट्स, क्या बहुत सारे आलू उगाएंगे। बोलो, बात समझ में आ गई? तो हमने ट्यूबर से उगा लिया कि नहीं, इनको ऐसे ही कट करके एक आलू में जितने आईज हैं उतने आलू के पेड़ उगा सकते हो, और फिर हर आलू के पेड़ में, एक पेड़ में 25 आलू होंगे, वो अभी हम आ देंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं?
तो इस तरीके से दैट इज ऐसा भी किया जा सकता है विदाउट क्या दुकान पे आलू मिल जाएंगे चाकू चाकू भी दुकान मिल जाएंगे तुम ऐसा कट करो बस ऐसे काट लो एक आइस वो उसमें देख समझ में आ गई बात तो कटिंग किसकी बताई मैंने लीफ की बताई ट्यूबर की बताई अब तीसरी किसकी बताने जा रहा हूँ स्टेम की देखो स्टेम में दैट इज ये गन्ने का है केन शुगर तो इसमें यहां से कट लगाओ और यहां से जिस एक नोड आना चाहिए तो इस तरीके से कट लगा लो जिसमें एक नोड आ जाए क्योंकि यहाँ आप देखोगे यहाँ से फिर से नए नए कुछ यहाँ इंटरकैलरी टिश्यूज होते हैं ना नए नए पार्ट्स निकल आते हैं और इसको जमीन में ऐसे डाल दो तो जमीन में ऐसे डाल दो उसमें नोड भी था क्या जहाँ नोड है वहीं से क्या होगा क्या नया प्लांट निकल आएगा तो इस तरीके से केन शुगर का हमने किससे किया स्टेम से गुलाब को गर्भ किससे करोगे स्टेम से उसकी टहनी को एक शार्प नाइफ से नई चाकू से काट लो और बस उसको लगा दे ठीक है तो गुलाब को भी कर सकते हैं तो ये सारे क्या प्रोसेस हैं दैट इज द कटिंग अभी जो पहला प्रोसेस बता रहे हैं इसमें क्या है कटिंग अच्छा इसमें एक चीज और लिखनी पड़ेगी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके लिए यूजफुल है दिस इज यूजफुल फॉर दोज प्लांट्स गरिमा जरा सेंटेंस कंप्लीट करो दिस इज यूजफुल फॉर दोज प्लांट्स व्हिच हैव लॉस्ट बोलो डॉर्मेंसीज क्या तुम सीड होता है तब उसे हाँ बोलो बताओ ये ज्यादा अच्छा उत्कर्ष ही सही हर बार उत्कर्ष ही जीतते हैं वीएबिलिटी बोल दिया दैट इज यानी हु व्हिच हैज लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड्स वीएबिलिटी का मतलब है कि जैसे वो कहते नहीं वो देखो वो नॉन बीएबल ऐसे हम लोग कहते हैं ना इनफर्टाइल औरत जा रही बांझ औरत तो नॉन बीएबल बोलते हैं कि नहीं अपनी रोजमर्रा की लैंग्वेज वैसा प्लांट्स में भी बोल सकते हैं दैट इज ठीक है तो दैट इज दिस इज यूजफुल दिस मेथड इज यूजफुल किसके लिए फॉर those plants which has lost its viability viable का मतलब है उत्पादन क्षमता यहां पर उत्पादन क्षमता का मतलब है बीज उत्पादन क्षमता that is they cannot produce seed Also, this is useful in non-flowering plants. अगर फ्लावर ही नहीं तो सीड कहां से होगा तब भी यूजफुल इट्स थ्री टाइप्स आर इसके तीन मेथड कौन कौन से हैं कटिंग ठीक है न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन बाय कटिंग प्लांट पार्ट्स लीफ हो सकता है स्टेम हो सकता है रूट हो सकता है ट्यूबर हो सकता है भाई शार्प नाइफ होनी चाहिए सैनिटाइज उसमें कुछ भी ना लगाओ क्योंकि तो बहुत सेंसिटिव पार्ट होते हैं भाई शार्प नाइफ अगर सिंपली आलू को काट के गाड़ दो कि सड़ जाएगा उसके चारों तरफ आपको एलोवेरा के जूस का लेप लगाना पड़ेगा और ये उसमें धोना पड़ेगा तब उसके बाद क्या होगा उसमें जो जर्म्स होंगे वो मर जाएंगे तो एलोवेरा इन सब के लिए उसको कहते हैं उसमें क्या चीज होती है रूट हार्मोन ना रूट निकल रहा हो एलोवेरा डाल दीजिए वहां पे रूट आ जाएगा ठीक है कि नहीं चलो तो अभी हम लोग पहला चीज देखते हैं दैट इज कटिंग वो तो भी बताया गया स्कोर परमिशन दिया अच्छा बताया आपने चलिए
स्पोर फॉर्मेशन भी तो एक बचा हुआ है ना। और फिर एक और बताएंगे टिश्यू कल्चर, दो अभी और है। लेयरिंग के बारे में लिखें, इफ लेयरिंग अ ब्रांच ऑफ मेन प्लांट इज बरीड अंडरग्राउंड, बरीड अंडर ग्राउंड, ठीक है, ब्रांच हमने कर दी। आफ्टर सम टाइम रूट्स विल डेवलप फ्रॉम इट, पिस्टन्स, फ्रॉम इट्स पिस्टन। नाउ इट इज सेपरेटेड from main plant। एक example तो strawberry है, और देखो और दिया है, कुछ और जैस्मिन, बोगेनविलिया, वो सब है चाइना रोज, गुड़हल जिसको कहते हैं, स्ट्रॉबेरी, रेस्टबेरी, लेमन, बहुत सारी चीजें हैं, गुआवा नहीं, ठीक है, जैस्मिन, गुआवा, चाइना रोज, स्ट्रॉबेरी में देखते हैं। That is layering in a strawberry plant. It can be done in most of the plants. ग्राफ्टिंग के लिए कोई कुछ नहीं है, किसी भी प्लांट में की जा सकती है। सो नेक्स्ट इज किसी पे भी कर सकते हो, जैसे एप्पल में किया है, इसका एग्जांपल है, एप्पल में कर लीजिए, तो पीच, एप्रिकॉट, पियर, कुछ भी कर सकते हैं। गुआवा में भी दिखाई गई है, पीच, लेमन में भी हो सकती है, लेमन में भी, ठीक है, ऐसे किसी भी फ्रूट में, मोस्टली ऑल फ्रूट प्लांट्स, पाइन एप्पल, ग्रेप, रोज, छोटा सा टमाटर था उसने इतना बड़े पेड़ में टमाटर उगा दिए, लगा के टमाटर ही टमाटर उगा, जबकि श्रब है उसको उसने एक ट्री बना दिया, किसी में भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। नाउ सो इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस, जिस ऐसा कोई प्लांट है तुमको, जैसे रोज है, रोज की ग्राफ्टिंग कर लो, जिस जो सीडलेस प्लांट है, इट कैन बी डन ऑन सीडलेस प्लांट्स, सीड कहाँ ढूंढने जाओगे, उसी कर ले जाओ, किसी को किसी पे भी लगा के कर लिया, रूट किसी से पानी लेना बस जमीन से, आप किसी को लगा दीजिए बढ़ने लग जाए, ठीक है ना। इट कैन बी डन ऑन सीडलेस प्लांट, जिसमें सीड नहीं होता, आपको कहीं से मिल जाए तो बस आप उससे एक टहनी काट के ले आओ और अपने किसी एक कोई भी टहनी से काट के ले आओ। ओके, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन ओवर, ठीक है,
प्रोडक्शन बाई सीड्स, क्या सीड से उगाना तुम उत्कर्ष अच्छा समझते हो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से? ओवर सीड प्रोपगेशन, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा कि यस लेस मैच्योरिटी पीरियड, एंड लेस केयर इज रिक्वायर्ड, उसे ज्यादा ध्यान नहीं देना, वो तो खुद ही एक प्लांट है, लेस केयर इज रिक्वायर्ड। तुम लिख रहे हो? नेक्स्ट इज मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन, अगर उसकी 10 टहनी है गुलाब की तो क्या 10 प्लांट उगा सकते हो? एक ही पोटैटो से क्या कई प्लांट्स उगा सकते हो? सो मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट प्लांट, जितनी कटिंग ले लो कर लो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम सिंगल प्लांट, न्यू प्लांट्स आर आइडेंटिकल identical to parent plant. Those plants which have lost its viability has only option to be grown by vegetative propagation. जिन्होंने अपनी उत्पादन क्षमता ही खो दी है उनके लिए तो सिर्फ यही एक ही विकल्प आपके पास बचता होगा। So those plants which have lost its viability only this method is opted for them. बनाना को इस टाइम से उगाते हैं। अब जरा देखिए नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अलावा दो चीज और पढ़ेंगे, एक टिश्यू कल्चर और अदर इज स्पोर फॉर्मेशन। टिश्यू कल्चर, जो नए प्लांट्स होते हैं तो नए प्लांट्स में जो सबसे टिप होती है वो सबसे मुलायम और कोमल होती है। अगर मैं इस पार्ट को कट करूं और इस पार्ट को आपको कुछ नहीं करना है, कट करके लैब में ले जाके एक प्लेट में रख दो किसी पार्ट को, और उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन मीडियम आगार मीडियम डाल दो, जैसे एजीबीआर सिल्वर ब्रोम ऐसा कोई मीडियम या न्यूट्रिशन डाल दो तो वो वहीं ग्रो करने लगेगा। सिर्फ इसको कट कर दो क्योंकि इसके पास मेरिस्टमेटिक टिश्यू, मेरिस्टमेटिक का मतलब समझते हो फास्ट ग्रोइंग टिश्यू, जिनको कोई काम नहीं मिला, तो नए प्लांट के नए पार्ट को कट करो। ऐसा होता है जब एक जगह से दूसरी जगह प्रधानमंत्री लोग जाते हैं तो एक छोटे से शीशी में ये टिश्यू दे देते हैं, जैसे क्राइसेंथेमम नेहरू जी उठा रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, आज वो टेरर ऑफ इंडिया बन चुका है, जहां देखो झील में क्राइसेंथेमम ऐसे हो रहा है सारी झीलें खा गए, समझ आया? तो इसको टेरर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। वो झील में उगता था, उनको उसके सुंदर सुंदर फूल लगे, लेकिन उसने क्या किया, पानी की सारी ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी, तो वहाँ की मछलियाँ मर गईं। अब मछलियाँ मर गईं तो वो पानी क्या साफ रह पाएगा, तो उसका ऑर्गेनिक मैटर वहाँ इकट्ठा होता गया, इकट्ठा हो गया, वो झील जो है वो फिर मठ बन गई। मठ बनने के बाद क्या होगा, मठ बनने के बाद वो झील जो है वो कीचड़ में बनी, फिर सूख गई। तो इस तरीके से हम अगर कहीं पर कोई बहुत ऑर्नामेंटल प्लांट जो हजारों हजारों के आते हैं सिर्फ उसके टिप से, उसको यहाँ पर जब आपने इसमें मीडियम में डाला तो ये धीरे धीरे बढ़ के किस में बदल जाएगा, बोलो, कैलस। कैलस का क्या मतलब समझते हो? कैलस का मतलब होता है नाउ इट इज ग्रोन, उसके सेल में माइटोसिस होने लगेगी ना, तो बढ़ते बढ़ते इतना उसका कोई शेप नहीं है, उसका कोई रूट नहीं है, उसी चीज को अब तुम किस में ट्रांसफर कर दो। इस मेरिस्टमेटिक टिश्यू को तुमने पहले यहाँ कट करके यहाँ लगाया,
अब इसको आप एक ट्रे में रखो, ट्रे में बहुत सारी मिट्टी रखी जाएगी, और मिट्टी रखने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा कैलस कट करके रख दो, कैलस के पीस। तो अब तुम देखोगे इसको भी लैब के कंट्रोल्ड मीडिया में रखो, लेकिन ऐसा करने से क्या इनमें छोटे छोटे से प्लांट्स आ जाएंगे क्या? छोटे छोटे प्लांट्स जब आ जाए तो फिर उनको आप कहाँ ट्रांसफर कर दो? इट इज ट्रांसफर्ड टू साइट यानी फील्ड, तो इसको तुम फील्ड में ट्रांसफर कर दो। ऐसा करके क्या किया जा सकता है कि हमने टिश्यू से कल्चर कर लिया क्या? इसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। हमने मेरिस्टमेटिक टिश्यू से कितने सारे प्लांट्स बना लिए, तो इस टिश्यू को क्या कहेंगे? मेरिस्टमेटिक टिश्यू। इस मीडियम को क्या कहेंगे? दैट इज कल्चर मीडियम। और ये क्या चीज आ गई? क्या सैपलिंग्स या प्लांटलेट्स? और सैपलिंग्स को क्या कर दो? नाउ इट इज ट्रांसफर्ड टू फील्ड, तो फील्ड में अब इसे ट्रांसफर कर दो, फिर धीरे धीरे ये क्या प्लांट हो जाएंगे बड़े बड़े। तो ऐसे हमने कर दिया। चीजें तीन तरीके से हो सकती है, हमने पहले बताया है इन वीवो, इन विट्रो और इन सी टू। वीवो का मतलब क्या है? इन विट्रो का मतलब है इन मदर्स वॉम वॉम। हम लोग विविपेरस हैं क्योंकि हम लोगों का जन्म क्या हुआ है? मदर के वॉम में ही ग्रोथ हुई है। इन विट्रो आईवीएफ टेक्निक पढ़ी है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ टेस्ट ट्यूब में, अगर स्पर्म और ओवा को लेकर वहां पर हमने टेस्ट ट्यूब में किया तो उसे क्या कहेंगे? इन विट्रो का मतलब है इन लैब, और इन सीटू का मतलब क्या है? एट साइट। तो इसका हम लोग कैसे कर रहे हैं? कल्चर मीडियम के बाद फिर इन सीटू कर दिया, कल्चर मीडियम में किया, फिर खेत में लेके, खेत में भी ऊपर पॉलीथीन लगी हुई, नर्सरी नहीं होती जैसे, सही है? तो ये दिस इज इन फील्ड। कैलस किसी भी चीज का थक्का होता है, एक बहुत बड़ा वो ग्रो हो गया इररेगुलर शेप का, बस वो कोई चीज है, बस वो मेरिस्टमेटिक टिश्यू बड़ी हो गई, फिर चाकू से उसके कट करो, लेकिन वो सब मेरिस्टमेटिक टिश्यू है। तो वो क्या होगा बताओ? अलग अलग जगह जगह रख दो थोड़ा थोड़ा मीडियम में, वो बैक्टीरिया लेस है, बैक्टीरिया फ्री है, वो सब प्लांट बदल जाएगा। दैट वी विल सी, थोड़ा लिख लें फिर देखेंगे कि कैसे करते हैं। ओके नाउ प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम ए स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू फ्रॉम फास्ट ग्रोइंग, जो भी टिप्स हैं वहीं से ले लिया जाए। प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम ए स्मॉल पीस, कट फ्रॉम प्लांट टिप, टिप से ले लिया, दैट इज मेरिस्टमेटिक टिश्यू, तो वहां से ले लिया, फिर क्या किया जाएगा? ठीक है, एंड ग्रोन इन ए सूटेबल ग्रोथ मीडियम, और उसे कहां बड़ा करो? ग्रोन इन अ सूटेबल ग्रोथ मीडियम इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर, इसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसकी छोटी सी टिश्यू, देखो पहले किसी प्लांट की न्यू ग्रोथ वाली टिश्यू निकाली, फिर उससे क्या किया, कैलस बनाया, फिर कैलस बन गया, उसको हमने अलग अलग किया, अलग अलग फिर प्लांट निकलने लगे, प्लांट से फिर बड़े प्लांट बनाएंगे, पहले टिश्यू निकाली टिप से, फिर उसको जैसे हमने यहाँ पर रखा था कहीं कैलस बना लिया, कैलस से अलग अलग किया तो प्लांट पत्तियाँ निकलने लगी, फिर बड़े मीडियम में डाला और बड़ा होता और बड़ा डाल दो, नर्सरी में डाल दो, ये छोटा हिस्सा निकाला, उसको ऐसे कैलस बना लिया, कट करते अलग अलग किया फिर प्लांट बना लिया। तो इस चीज को क्या कहेंगे? दिस इज टिश्यू कल्चर।
छोटा सा नया हिस्सा निकाला, कैलस बनाया, सेम चीज होगी, इससे कैलस बनाया। Let us see. कोई नया हिस्सा निकालो, नई चीज उसको इसमें डालो, ग्रो कर जाएगा, आगार मीडियम, सिल्वर ब्रोमाइड मीडियम है, और न्यूट्रिशन में डाल दो, कोई सबसे अच्छे मेथड नहीं। इसके बाद कैलस, कैलस के बाद ऐसे ये कैलस अलग अलग किया तो पत्तियाँ आ गई, बाहर लगा दो जहाँ पर भी आपके उसको ब्रोमीन एक न्यूट्रिशन मीडियम है, ब्रोमीन पौधों को ही उसको आधार है। यस, इट इज आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन। तो इससे कैलस बनाया और फिर इससे क्या किया, छोटे छोटे कर 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 दिस मेथड इज आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन। नाउ this method is called इसके कुछ फायदे हैं, that is tissue culture is a very fast technique, किसी छोटे से हिस्से से हम हजारों पौधे उगा सकते हैं, तो इसके एडवांटेज क्या क्या है, इट इज वेरी फास्ट टेक्निक, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स और थाउजेंड ऑफ प्लांट्स ही नहीं, थ्रू आउट द ईयर, तुम सर्दी के मौसम में आम खाओ क्योंकि तुम्हारे पास लैब है, ये सब तो लैब में तैयार होने ना, थ्रू आउट द ईयर, इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं, कंट्रोल्ड मीडियम में करना, यहाँ जोधपुर में उगा रहे हैं, 1,000 रुपए से शुरू की थी, अभी 1 करोड़ का व्यापार होगा, केसर उगा रहे हैं, उसके ऊपर इसमें आ रहा है ना। हेलो हेलो, हाँ जी हेलो, ओके ओके, नाउ थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू आउट द ईयर कैन बी ग्रोन बाई दिस मेथड, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर कैन बी ग्रोन बाई दिस मेथड। और क्या इसका फायदा है, न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस, क्योंकि हमने बचपन में जब थोड़ा बड़ा हो गया तब तक तो उसे लैब में ही रखा, इसलिए उसमें डिसीज के लिए फाइटिंग क्षमता आ गई, सो न्यू प्लांट्स ग्रोन आर डिसीज फ्री, क्योंकि सबसे ज्यादा होता है जितना छोटा सैपलिंग्स होता है उसमें डिसीज की ज्यादा चांस होता है, लेकिन आपने उसको शुरू से बहुत अच्छे हेल्दी मीडियम में रखा, सो द गुड इम्यून सिस्टम इज डेवलप्ड इन इट, इसलिए न्यू प्लांट्स आर डिसीज वेरी लेस स्पेस इज नीडेड फॉर इट, क्योंकि लास्ट में आप उनको वहां ट्रांसफर करोगे, तो इसलिए टिश्यू कल्चर के लिए कमरे में भी किया जा सकता है। थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स, अब देखो न्यू प्लांट्स आर डिसीज फ्री, वेरी लेस स्पेस इज नीडेड फॉर इट, नीडेड फॉर इट, ओके। अब हम देखते हैं, ये हमारा सिक्स्थ मेथड हो गया, एक बडिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया, ठीक है, इससे फ्रेगमेंटेशन हो गया, फ्यूजन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया, अब एक और मेथड बचता है, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, जो कि ब्रेड माउल्ड्स में होता है, जो फंगस में होता है। नाउ इट इज
स्पोर फॉर्मेशन देख लीजिए, सेवेंथ मेथड इज स्पोर फॉर्मेशन। इन स्पोर फॉर्मेशन प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर। जैसे कि अगर हम देखें तो ब्रेड के पीस में आपने देखा होगा कि ग्रीन ग्रीन ब्रेड हो जाती, फंगस लगती है, जैसे पुरानी जाती है तो बहुत सड़ने पर ग्रीन हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि इसी में ब्रेड के ऊपर कुछ ऐसी यूनिट्स बन जाएंगी, ब्रेड में रूट जैसा भी आ जाएगा जिसको हाइफे कहेंगे, ओके, एंड इसी में स्टेम भी आ जाएगा। और स्टेम में क्या होगा, स्पोरेंजियम, एंजियम का मतलब है कोश जिसमें स्पोर्स रहते हैं, एंजियम। और स्पोर जो रखे तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, स्पोरेंजियम। एंजियम मींस प्लेस, या इसको कह सकते हैं बॉक्स और स्पोर बॉक्स, स्पोर बॉक्स। स्पोर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट, सही है। और यहां पर इस कमरे में बहुत सारे स्पोर्स घूम रहे हैं, बहुत छोटे, ये नहीं घूम रहे हैं, अगर ये बस्ट हो जाए तो ये जो है ये घूम रहे हैं, ये इनको क्या कहेंगे, इट इज माइक्रोस्कोपिक यूनिट। जैसे ही तुम्हारी मम्मी ने टिफिन बंद किया, दो चार स्पोर उसमें चले गए, बनाते बनाते खाना बनाते बनाते जब तक टिफिन बन गया दो चार स्पोर तो चले ही गए। अब तुम उसको तीन दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख दो ब्रेड सैंडविच को, और तीन दिन बाद खोलो उसमें जाला निकले, ऐसा होता है खाने को, या एक हफ्ते रख लो तुम्हारी मर्जी, उसके बाद उसमें क्या होगा, स्पोर ही स्पोर बन जाएंगे। इसका मतलब वो स्पोर कहाँ से आए, बने हुए खाने में तो नहीं है। सो वेन दे गेट सूटेबल डैम्पनेस एंड डार्कनेस मीडियम, वार्म्थ भी चाहिए, बिल्कुल फ्रिज में रखोगे तो कुछ नहीं होगा, वार्म्थ एंड डैम्पनेस दो चीजें चाहिए, देन स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ये क्या करने लगेंगे, दीज आर नाउ मल्टीप्लाइंग, दे नाउ प्रोलिफरेट, ये क्या करेंगे, प्रोलिफरेट करने बढ़ने लगेंगे, एंड इन दिस वे दिस इज डन। सो लिखे व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन, ये एक तरीके की फंगस है, इसके बारे में थोड़ा लिखे तब भी पता। तो पेरेंट प्लांट जिसका मैं नाम बता रहा हूं, इस प्लांट का नाम है राइजोपस फंगस, लेकिन कॉमनली लोग इसे ब्रेड माउल्ड कहते हैं। तो इस फंगस का नाम क्या है, राइजोपस फंगस, ब्रेड, दोनों नाम से एमसीक्यू आता है। नाउ इन स्पोर फॉर्मेशन क्या होगा, इन दिस मेथड पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स, यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स, दीज आर एनकेस्ड, ये किसमें रखी हैं, एनकेस्ड इन स्पोरेंजियम, ठीक है, जैसे वो है कोई ओवा है तो गाइनोइशियम, ईएम लग जाए तो उसमें रखी है, यहां पर भी एनजीएम लगा हुआ, दैट मीन्स इट इज अ बॉक्स, ठीक है, एंड्रोइशियम गाइनोइशियम में फ्लावर पड़ने जा रहे हैं थोड़ी देर में, तो वहां ये सब देख लेंगे। तो जिसमें रखा हुआ है पॉलन, एंड्रोइशियम गाइनोइशियम, वो एनजीएम लग जाएगा ऐसा लग जाएगा, तो इट इज स्पोर एनजीएम। अब देखिए, सो व्हेन सच प्लांट्स गेट्स सूटेबल कंडीशन, टेक में लगा हुआ था, आप लगाता टेक में, व्हेन प्लांट्स गेट, ये फंगस क्या करेगी बताइए,
सूटेबल कंडीशन, वार्म्थ एंड डैम्पनेस, दो चीज चाहिए तो क्या होगा, व्हेन फंगस गेट वार्म्थ एंड डैम्पनेस। हाँ, अमन सेंटेंस पूरा करो तो क्या होगा, व्हेन ऐसी स्थिति में ये क्या होंगे, देन दे जर्मिनेट, यही बस्ट करेगा, बस्ट तो हो ही चुका है तुम्हारे उसमें ब्रेड, वो बस्ट स्पोर ही गया, दीज स्पोर जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू फंगस, दीज स्पोर्स एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स, दीज माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, इससे बचा नहीं जा सकता, दीज स्पोर्स आर फ्लोटिंग इन एटमॉस्फेयर, देखिए कि ये दिखने में कैसा लगता होगा, इस फंगस के कुछ फायदे भी हैं, स्पोर फॉर्मेशन इन ब्रेड माउथ, ये देखो ऐसा कुछ कुछ दिखता होगा, ब्रेड में इस तरीके से लग जाए तो किस तरीके से दिखेगा, आप देख रहे हैं कि उसी में उभरा हुआ दिखेगा, इसको पहले हम आपको दिखा दें, ये देखो फंगस इन फ्रूट्स, ये देखो पहले, तब फिर हम आपको दिखाएं, ये देखो इट इज वेरी अट्रैक्टिव वीडियो, इस शुरू से देखो ये कितना फ्रेश फ्रूट्स है, देखो कैसे स्पोर बन रहा है, आप देख रहे हो उभर गया ना बिल्कुल, तो ऊपर ऊपर उठ रहा है, दिखा आपको, सो ऐसा ही ये जो ऊपर ऊपर है तो वो इस ऊपर क्या है, स्पोरेंजियम, और जो उसके अंदर चला गया जो न्यूट्रिशन खींच रहा है वो क्या क्या, वो हाइफे है, देखो हमने लिखा है हाइफे, नहीं लिखा अभी लिख दें, इसके रूट्स का क्या नाम है हाइफे, और ऊपर क्या है स्पोरेंजियम, सही है, चलिए अब देखिए यही चीज ब्रेड माउल्ड में भी है, you're all ready to make the sandwich of your dreams. Turkey, tomato, Swiss on a bed of romaine lettuce, kinds of spores. Whereas other molds like Penicillium crustacum produce harmful poisons called mycotoxins. Penicillium plant. ये तो तुमको ब्रेड माउल्ड पता चल गया, ये दिख रहा है ऐसे ऐसे ग्रीन ग्रीन ब्रेड, जब बहुत पुरानी होगी बात नहीं करो, इधर देखो तो ग्रीन ब्रेड ऐसा होगा, हाँ पेनिसिलियम का क्या यूज है, इस बात क्यों कर रहे हो, पेनिसिलियम का यूज है, पेनिसिलिन बनाया किसी ने, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जितने लोगों को फीवर था उनको मलेरिया की दवा बनाई गई, और इसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला ना, तो पता होना चाहिए इसी स्पोर फॉर्मेशन में तो है, तो देखो पेनिसिलियम ये भी एक फंगस है, according to किसी से बनाया गया, penicillium is an ascomycetes fungus found in all natural environments, penicillium is an opportunistic invader, let us write about this, तो इसकी roots का क्या नाम है, इसको लिखो stem, it is hyphae, okay, now okay. इसका एग्जाम्पल क्या है, एक तो ब्रेड माउल्ड हो गया जो मैंने ऊपर दिखाया, और दूसरा क्या है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम का डायग्राम आप देख लीजिए, पेनिसिलियम से क्या है, इट इज फंगस,
जब 30 लाख लोग मर रहे थे तो यूरोप में ही लाशें पड़ी हैं, 10-10 दिन पड़ी, तुम और कहो जवान से लड़ो क्या लड़ पाएगा, तो उसको उठाने का ही नहीं है, उसका एक्सेवेशन नहीं हो पा रहा है, इवेक्यूएशन नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, और वहीं लड़ रहे बगल में, उनको सबको फीवर आ गया, और ऐसी स्थिति में जो जवान लड़ रहे थे उनके भी मरने की नौबत आ गई। तो ऐसी स्थिति में एक, अभी मैं मुझे नाम नहीं पता इसमें दिया हो कि किसको नोबेल प्राइज इसके लिए मिला था, तो एक साइंटिस्ट ने क्या किया, इसी पेनिसिलियम का एक अगार मीडियम में तैयार किया, ठीक है, एक्सट्रैक्ट, और वो उनको पिलाया गया और उसको पेनिसिलिन कहा गया, उसी की यहाँ पर कैप्सूल बनाई गई, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम है, और पेनिसिलियम से क्या बनाई गई, पेनिसिलिन की कैप्सूल, वो उनको दी गई, तो उनका मलेरिया फीवर ठीक हो गया, है ना, क्या हो गया, ऐसे तो डिसीज स्प्रेड होती है तो प्लाज्मोडियम से होती है, हम लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी इसको क्योर किससे किया जा सकता है, दैट इज पेनिसिलियम से, सो इट इज यूज्ड टू मेक, दैट इज मेडिसिन फॉर, पेनिसिलिन बनेगी विच इज यूज्ड टू क्योर मलेरिया, ये पेनिसिलियम प्लांट है, ठीक है, और इससे क्या बनेगा, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन बाजार में उपलब्ध है, उसका नाम ही पेनिसिलिन है, इस कैप्सूल का क्या नाम है, और वो पेनिसिलिन काम किस में आएगी, जो इंटरमिटेंट फीवर है, मियादी बुखार, सुबह आया फिर गया, फिर सुबह आया फिर गया, दिन दिन रात उतरता चढ़ता रहता है, उसको मलेरिया कहते हैं, और ये महीने भर तक रहता है, उसको कौन ठीक कर सकता है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन बनता किससे है, बस यही है, ये भी फंगस है, ठीक है, सो पेनिसिलियम इज यूज्ड टू किसके लिए बताइए, लिखिए, पेनिसिलियम इज यूज्ड टू टू मेक पेनिसिलिन, व्हिच इज medicine for treatment of malaria. Okay. ये सारे method हम लोगों ने देख लिए हैं, आगे देखेंगे sexual reproduction. How does binary fission differ from multiple fission? One CPN नहीं होगा, कोई और चीज होगा. So, binary fission और multiple fission में क्या अंतर है? In binary fission, parent organism splits and divides into two new organisms, while in multiple fission parent organism divides to form many new organisms simultaneously. आप कहां तक लिखे हो दिखाओ, कुछ ना कुछ आप हरकतें कर रहे थोड़ी थोड़ी देर में, वैसे कहां से लिखा है, Thank you.
छोड़ छोड़ के क्यों लिख दो चीजें लिखा है ठीक है वाइल्ड इन मल्टीपल फिजन पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म साइमल्टेनियस सेकंड क्वेश्चन लिखे हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स ठीक है ये स्पोर फॉर्मेशन है दिव्या बताओ हाउ एन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड अगर मान लीजिए वो स्पोर से प्रोड्यूस करता है दीज स्पोर्स आर कैप्ट इन ए कवरिंग विच इज ए कॉल्ड सिस्ट इसे क्या कहेंगे इट इज ए कॉम्प्लेक्स शुगर सो इट इज दीज ऑल स्पोर्स आर कैप्ट इन ए हार्ड कवरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड सिस्ट इट इज नॉट बस्ट अंटिल इट इज गेटिंग द फेवरेबल कंडीशन समझ में आई बात की नहीं सो इन दिस वे ए प्लांट इज बेनिफिटेड जब अच्छा क्लाइमेट होगा सूटेबल तभी ये बस्ट करेगा नहीं तो इसी के अंदर रहेगा ओके सो स्पोर्स आर कैप इन साइड ए प्रोटेक्टिव कोटिंग जैसा आपको प्लाज्मोडियम में बताया था बिल्कुल उसी तरीके से ठीक है प्रोटेक्टिव कोटिंग मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड सिस्ट सो This cyst does not burst until suitable conditions are there. तो क्या होगा बताइए So स्पोर्स कंटिन्यू टू सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन इससे स्पोर्ट्स मरेंगे नहीं ऐसे ही जैसे सीड्स होते हैं ऐसे जमीन में आ गए और गर्मी है या स्कॉर्चिंग हीट है तो उसमें सीड्स खत्म हो जाते हैं वीएबिलिटी लूज कर देते हैं सीड्स को बहुत ध्यान से प्रोटेक्ट करना पड़ता है जो लोग किसान लोग हैं ना तो वो क्या करेंगे सीड्स को ऐसी जगह रखेंगे कि अगले साल उन्हें यूज करना है ऐसे कहीं भी नहीं छोड़ देते उन सीड्स को नहीं तो अगले साल वो जर्मिनेट ही नहीं करेंगे सूख जाएगा गेहूं रखे रखे अपना पानी खो देता है तो इसलिए उसको एक अच्छे कंडीशन में लेकिन इस केस में क्या है अगर वो एक हार्ड कवरिंग में रहेंगे सिस्ट में रहेंगे तो कभी इसको रेंजियम जो है ये सिस्ट तो इसमें ये सुरक्षित रहेंगे सो स्पोर्स कंटिन्यू टू सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन स्पोर्स कंटिन्यू to survive under unfavorable condition as soon as they get favorable condition Okay. Cyst burst and spore land. The spores किस पर land करेंगे? On nutrition. And reproduce new fungus. सवाल है कैन यू थिंक ऑफ द रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन मान लीजिए ऐसा कभी नहीं हो सकता क्या दिव्या मान लो हाथ हमारा कट जाए और फिर नया हो जाए
तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ से कट गया तो लीवर ने कहा चलो कोई नहीं हम ही इंटेस्टाइन बना लें, चलो कोई, लेकिन लीवर इतना आगे बढ़ चुका है स्पेशलिटी में, इट हैज़ बिकम सो कॉम्प्लेक्स, अब ये मेरिस्टमेटिक नहीं रह गया। सिंपल को तो जैसे प्लेनेरिया में उससे आँख बनवा ली, प्लेनेरिया में देखा था कि नहीं सिंपल है, तो उससे अब तुम कह दो आँख की टिश्यू से लीवर का काम चलो करो, तुम क्या स्टमक का काम नहीं करोगे, देखो खाना रख रहे खाओ तुम पचा के दिखाओ, नहीं पचा पाएगी, वो इतना आगे बढ़ चुकी है ऑप्टिक नर्व बनने में कि अब वो चाहे भी तो वो माइक्रोविली नहीं बन सकती, बन सकती क्या, नहीं बन सकती है। सो इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लीवर हैज गोन टू सच ए फार एक्सटेंट, ठीक है, एंड इवन द शेप एंड साइज आर सो डिफरेंट दैट इट हैज टू परफॉर्म दैट स्पेसिफिक फंक्शन एंड इट कैन नॉट अंडरटेक। ऐसे छोटा मोटा आदमी हो तो वो कहो आज कपड़ा सिल ले, कल जूता सिल ले, कोई हाई फाई इंजीनियर हो अबुल कलाम, कहो इनसे चलो खाना बनाओ या जूता सिल, उसे वो इतना आगे बढ़ चुके अपने फील्ड में, बड़े इंजीनियर हो तो क्या वो कर पाएंगे छोटे मोटे काम, क्योंकि वो इसी एक ही फील्ड में जीते रहे। सो इन द सिमिलर मैनर इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इफ सब पार्ट इज सम पार्ट इज कट तो क्या यहाँ से ग्रो कर जाएगा सर, ग्रामर तो है नहीं ग्रो कर जाए, कट गए तो कट गए, है ना। चलो अब जरा देखिए, सो होता क्या है इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म सेल्स में टिश्यू, अब टिश्यू क्या बनाएंगे, टिश्यू ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन ग्रुप टुगेदर वो क्या बनाएंगे, टू फॉर्म, सोनाक्षी क्या बनाएंगे, ऑर्गन बताओ, ऑर्गन सिस्टम, बात समझ में आई, कोशिकाएं ऊतक बनाएंगी, ऊतक अंग बनाएंगे, अंग अंग तंत्र बनाएंगे और अंग तंत्र से मनुष्य का निर्माण हो जाएगा। नाउ ऑर्गन सिस्टम, हमारी बॉडी में 12 ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, कितने सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सब है कि नहीं, तो बोलो ये सब ऑर्गन सिस्टम क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म ऑर्गेनिज्म, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स एंड हाईली स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट, ओके, नाउ इन दिस वन ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम कैन नॉट परफॉर्म द जॉब ऑफ अदर, जॉब ऑफ अदर, ऐसा करने के लिए भी क्या उसको अपना शेप चेंज करना पड़ेगा, क्या नर्व सेल को तुम कह दोगे कि वो अब ऑप्टिक नर्व, वो उसको कुछ और सेल फैट सेल बन जाए, बन पाएगी क्या, वो इतना आगे निकल चुकी है उसके शेप साइज ही बदल गए हैं, वो मेरिस्टमेटिक की तरह तो नहीं कि ओवल शेप की अभी अभी नई नई बनी कुछ भी बनवा लो, वो तो नहीं है ना, तो इसलिए परफॉर्म नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल इफ टेल ऑफ डॉग इज कट, इसका मतलब है जो लिजर्ड है वो इससे प्रिमिटिव है, डॉग मोर कॉम्प्लेक्स है और लिजर्ड तो प्रिमिटिव हो गई, लिजर्ड तो आप ये देखिए कि एम्फीबियन है, फिर उसके बाद कौन से होते हैं, दैट इज
रेप्टाइल होते हैं, रेप्टाइल में आ रही है अभी, तो आप समझिए पहले एविस फिर एम्फीबियन फिर रेप्टाइल, ये अलग अलग है। पहले पिसेज जो पाइसेज हैं मछली, ठीक है, फिर फ्रॉग, फिर रेप्टाइल, फिर जो एविस हैं यानी चिड़िया बर्ड्स, फिर मैमल्स आए। तो छिपकली बहुत पीछे है, हम लोग बहुत आगे हो गए। सो दैट मींस टेल ऑफ डॉग इज कट, न्यू टेल कैन नॉट बी जनरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम प्लांट्स। तो हम लोगों ने देख लिया था कि जिसकी वियेबिलिटी खो गई है और उनमें ये होगा, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं बनाना, रोज जैस्मिन, तो वो सब ऐसा कर सकते हैं। और फिर आपको और भी बेनिफिट्स बता दिए गए कि इसमें क्या होता है, किसी लेस मैच्योरिटी के लिए लेस केयर स्टेक है, आइडेंटिकल होते हैं, ऐसा लिखा। एक प्लांट से कई प्लांट भी बनाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दैट इज व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सो डी कौन सा थोड़ा सा कर लेते हैं इसमें, डीएनए कॉपिंग क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन के लिए। सो व्हेन, ठीक है, व्हेन ए सेल सब डिवाइड्स इनटू टू न्यू ऑर्गेनिज्म, कुछ भी होगा, ठीक है, ये न्यू ऑर्गेनिज्म, व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एंड न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म, तो क्या होगा, देन ए ब्लूप्रिंट, एक ऐसा ब्लूप्रिंट चाहिए ऑफ कोडिंग सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाने के लिए कोड होता है डीएनए के पास, सो ब्लूप्रिंट ऑफ, और उसी प्रोटीन से ही तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। सारी प्रोटीन से स्ट्रक्चरल प्रोटीन से ही तो हमारी बॉडी है, स्ट्रक्चरल, हार्मोनल और इस तरीके से एंजाइमल, तीन तरीके के प्रोटीन होते हैं, स्ट्रक्चर से तो हमारी बॉडी बनती है। उसका स्ट्रक्चर कहाँ देगा, कौन वो प्रोटीन बनाएगा, तो उसका कोड किसके पास है, देन ए ब्लू प्रिंट ऑफ कोडिंग सिस्टम, इसका कोडिंग सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के संश्लेषण का कोडिंग सिस्टम, प्रोटीन सिंथेसिस is to be handed over to new organism this is only possible by DNA replication। अगर DNA की दो कॉपी हो गई, एक अमीबा है और वो दो में डिवाइड होना चाहता है, तो क्या वो दोनों को नहीं देगा कि भाई हमने डबल कर लिया, आधा आधा ले लो, फिर उसके बाद होगा, डीएनए कॉपिंग होगी तभी तो दोनों को पूरा जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। ये तो ऐसे तो जेनेटिक मटेरियल खत्म हो जाएगा एक टाइम, 23 क्रोमोसोम में कह दो हम दो जो भी बच्चे होंगे आधा आधा बांट लो, तो फिर तो खत्म हो जाएगा ना, तो उसको डबल करना है फिर इक्वल करना, ठीक है। नाउ मेक ए फ्लो चार्ट for asexual reproduction and write examples as far as possible for each, jitne example tumhe pata hai, so make flow chart for types of asexual reproduction, उसके जो और भी सब ब्रांचेस है वो भी लिखना है, मान लीजिए जैसे फिशन है तो उसके दोनों भी लिखो, ठीक है, एंड राइट एज मैनी एज, इसके 7 टाइप्स हैं, एक टिश्यू कल्चर भी है और एक स्पोर फॉर्मेशन भी। Thank you.
जितने आपको याद आते हैं। टाइप लिखो, कटिंग के कौन से हैं, तीन चार तो सभी बताएं। टिश्यू कल्चर, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मैरीगोल्ड, जितना तुम्हें आम आता है।